हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ कहीं भी रामायण का पाठ चलता है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर कथा सुनते हैं। ये अक्सर हम कहीं ना कहीं सुने होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो एक सच्ची घटना लेकर मैं आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखेगा। यह कथा बहुत पुरानी है। यह कथा पंजाब के जलंधर की है। ये कथा आज से 40 साल पहले की है और आँखों देखी घटना है। श्री राम कथा का नवा पारायण चल रहा था और लोग पंडाल में बैठे थे। यहाँ एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था। लोग राम कथा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक सांड पता नहीं कहाँ से दौड़ता हुआ आया था, रुक गई। लोग सांड के भय से इधर उधर आने जाने लगे। भीड़ भगदड़ मच गई। पर हैरानी की बात यह थी कि सांड और हाँफते हुए पंडाल में घुस गया। सांड के आते ही पंडाल में कथा रुक गई और रोने लगा। श्री रामायण जी को उसने प्रणाम कर सर झुकाया और सामने बैठ गया। लोग सांड के भय से इधर उधर आने जाने लगे। हैरानी की बात यह थी कि सांड काफ़ी विशालकाय और भयानक था, लेकिन किसी को भी क्षति नहीं पहुंचा रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि अंदर से बहुत कोमल है। उसने किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाई और सीधा भगवान के सामने, जहां कथा चल रही थी, जा पहुंच गया। कथावाचक पंडित जी ये दृश्य देखकर एकदम दंग रह गए और सांड की गतिविधि देखकर सब लोग ये सब समझ गए कि यह कोई सांड नहीं, एक भगवान का भक्त है जो पिछले जन्म के कर्म के कारण इस योनि में है। कथावाचक पंडित जी ने लोगों को समझाया और निर्भय होकर बैठने को कहा और कथा फिर से चल पड़ा। सांड कथा सुन रहा था और लोग भी बैठ के शांति से कथा सुनने लगे। सांड ने शांति से पूरी कथा सुनी और लोगों ने भी सुनी और कथा समाप्त हुई और फिर आरती भी हुई और आरती में सांड भी खड़ा हुआ। लोगों को देखकर सांड की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। उसको देखकर सब लोग समझ गए थे कि वो कोई सांड नहीं, एक राम भक्त है, एक पुण्य अच्छी आत्मा है। सभी लोगों ने उसे सम्मान किया, तारीफ किया और सभी लोग चले गए। तो वो सांड भी चला गया। फिर अगले दिन जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, फिर वो तुरंत उसी समय आकर बैठ गया और श्री रामायण जी को प्रणाम कर कथा सुनने लगा। सभी कथा सुनने वालों ने सांड को जगह दे दी और वो भी शांति से बैठ के सुनने लगा। फिर एक दिन जब राम कथा का समापन होने वाला था, उस दिन भी वह उपस्थित हुआ। उसी दिन की तरह वो भी कथा सुनने आया था। एक दिन जब राम कथा का समापन होने वाला था तो वह उस दिन भी राम कथा सुनने के लिए आया था। आरती हुई, लोगों ने प्रसाद लिया और सांड को ही प्रसाद खाने को दिया। उसने प्रसाद खाया, एकदम तेज से गर्जना हुई, सभी लोग देखते रह गए और वो प्राण त्याग दिया। और लोगों ने राम भक्त को सम्मान देते हुए उसे पूरे विधि वर्क शव को दफना दिया। कथावाचक पंडित जी ने कहा उसकी ये योनि खत्म हो गई है और फिर अब उसका अगला जन्म होगा। इसी प्रकार कई जगह हम सुनते हैं जहां राम कथा होती है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर कथा का आनंद लेते हैं। और इंसान ही नहीं, जानवर भी अपने भगवान के प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं। तो बस इस कथा में इतना ही। जय श्री राम। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।